का है तू ना मैं तेरा। तुम लोगों के सर पर मैं बोझ बन गया हूँ और तुम लोग अपने सर से उतारना चाहते हो, और इस घटिया बात पे तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। डैड प्लीज, देखिए ऐसा नहीं है। तुम लोग मुनज़ा के मरने के बाद मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। जो नई औरत इस घर में आएगी, किसी को नहीं पता कि उसकी नेचर क्या होगी, वो पापा के साथ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। और फिर शांजे का रिएक्शन तो तुम देख ही चुकी हो। मुझे नहीं लगता अब उसके लिए अपनी माँ की जगह किसी भी औरत को देना आसान होगा। ये सब तो वसवसे हैं ना, अच्छा भी तो सोचा जा सकता है। न मेरा बन सका है तू न मैं तेरा। असद क्या हुआ, तुम सोए नहीं अभी तक? कुछ नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही। क्या हुआ, आप किसी बात पे परेशान हो तो मुझे बताओ। कुछ नहीं, बस बाबा की वजह से परेशान हूँ। यही सोचता हूँ कि जब अम्मी जिंदा थी तो सब कुछ कितना नॉर्मल था, हम सब कितने खुश थे। आई होप अब हुस्ना पप्पू के वापस आने के बाद हमारे घर का माहौल दोबारा नॉर्मल हो जाए। असद प्लीज बस भी करो ये सारी बातों के बारे में सोचना, कभी हमारे बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। हम यहाँ पर इन सब चीजों में पड़े हुए हैं और सुहेब और मेहरीन आराम से मजे कर रहे हैं। अलीजा वो काम के सिलसिले में गया था। मेहरीन को तो काम नहीं था ना? खैर बाबा ठीक हो जाए तो ले जाऊंगा तुम्हें। हाँ वैसे भी हमें ट्रैवल किए हुए कितना टाइम हो गया है, कुछ प्लान करना चाहिए। ठीक कह रही, बस दुआ करो कि बाबा बहुत जल्द ठीक हो जाए। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो खुद इन सब परेशानियों से बहुत दूर जाना चाहता। असद वो मैं सोच रही थी कि जो महरीन ने ऑप्शन दिया है उसमें बुराई तो नहीं है। हम अगर पापा की दूसरी शादी के बारे में सोचें तो हो सकता है उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। बाजी रिमशा बीबी बहुत रो रही हैं। क्या हुआ उसे, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया था? खाना दिया था लेकिन वो चुप नहीं हो रही। देखती हूँ। देखा पा, ये सलूक होता है मेरे साथ इस घर में। इनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है कि टाइम से सुकून से मुझे दवा दे सके। ओ हो भाई, ये छोटी सी बच्ची है, उसका ख्याल ना करे वो है। अरे आपा, मैंने कब कहा है कि बच्चे हर वक्त मेरे पास रहें? बेटों के पास ऑफिस का बहाना है और उनकी बेगमात के बाद झूठी मसरूफियात का रोना रोती रहती है हर वक्त। क्या हो गया तुमको है? ऐसे पहले तो नहीं थे तुम, हर वक्त शिकायतें, हर वक्त गिले। आपा, तब तक मैंने दुनिया की हकीकत नहीं देखी थी। तुम्हें याद है तुम कभी दवाई नहीं लेते थे, तुम कहते थे कि बीमार जिस्म को नहीं बीमार दिमाग को जरूरत होती है दवाइयों की। तुम कहते थे बस अपने दिमाग को मसरूफ रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सुकून से रहना चाहिए, कभी बीमारी के लिए दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपा, मैं भी दवा नहीं खाना चाहता, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मगर मैं ठीक हूँ भी तो किसके लिए? हाँ, किसके लिए का क्या मतलब है, अपने बच्चों के लिए और किसके लिए? इन बच्चों के लिए जिनके पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है, इनको मेरा वजूद ही पसंद नहीं है। और नया शोशा सुना है आपने छोटी सी बहू का, क्या कहती है,
कहती है कि अंकल की शादी करवा दो, आने वाली खुद ही इनका ख्याल रखेंगी, हमारी तो जान छूटेगी, ये सोच है इनकी मेरे लिए। गलत तो नहीं सोची मेरी, मुनज़ा के जाने के बाद से तुमने अपने आप को इतना तन्हा कर लिया है कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें जरूरत है किसी एक साथी की, बहुत ज्यादा शदीद। हरगिज़ नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता, ये बच्चे हैं ना, मगर इन बच्चों के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं और क्या समझा रही हूँ तुम्हें? नहीं, मैंने कह दिया ना मुझे शादी बिल्कुल नहीं करनी, और मैं इसकी हक में नहीं, बस। सुनो, मुझे बात करनी है तुमसे। मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बात तो सुन क्यों भगा रही हो, सबके सामने बात करनी है तुमसे। रुको, कह दिया नहीं बात करनी है ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं बात करनी है, I'm not interested। यार ऐसे तो मत करो शांसी, ऐसा क्या हो गया यार? प्लीज नहीं जान, मेरी बात सुनो। अच्छा बताओ मैं क्या करूँ जिससे तुम राजी हो जाओगी, बताओ। चलो कान पकड़ो, सब लोग देख रहे हैं। पकड़ो सबके सामने, के तो पकड़ो। सॉरी, देखो कितना जुल्म कर रही हो मुझ पे। माफ करो, मेरी बात सुनो, आज के बाद ऐसी कोई बात ना करना। कभी नहीं करूं, प्रॉमिस। प्रॉमिस। चले अब कैंटीन जाते। चलो। भाभी आप ठीक है? आप ठीक है? क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? चक्कर आ गया मेरी। इसको तुम लेके जाओ शान से, इसके कमरे में लेके जाओ, और जोहेब को फोन करो जल्दी, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाए। अच्छा मैं लेकर जाती हूँ, डैड का ख्याल रखे, मैं आ रही हूँ। हाँ बेटा मैं यही हूँ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? पानी और दो बस। आओ बैठो, आइंदे बैठो, सबके साथ मिलके खाना खाया करो। थैंक यू। तो ये देखिए आपका फेवरेट मटन पुलाव और आपके लिए कबाब। आप ये लीजिए ना। दाल की? अरे नहीं भाई, तुम्हें पता है मेरा गला खराब है, मैं कबाब और चिकन नहीं खा सकता। थोड़ा सा, ओहो जरा सा चख लो ना, बच्चों के खातिर दवाएं तो तुम रेगुलरली ले रहे हो। हाँ देखिए डैड, थोड़ा सा तो खा ले, इसमें क्या जा रहा है, एंजॉय इट। बाबा थोड़ा सा तो लेना, लीजे ने इतनी मेहनत से खाना बनाया। क्या तुम लोग कहते हो तो, बट ठीक है, बट आई डोंट फील लाइक। ओहो क्या हो गया, पसंद नहीं आया क्या? हो भाई, ये तो खाना बिल्कुल फीका है। पापा मैंने तो आपकी वजह से कम स्पाइसी खाना बनाया था कि आपको अच्छा लगेगा। मुनज़्ज़ा आप यानी कि फीके खाने भी इतने अच्छे बनाती थी कि बस दिल करता था कि हर वक्त खाते रहे। तुमने मुनज़्ज़ा से कुछ नहीं सीखा?
ऐसा करो तुम बेटा, वो मुझे कल वाला परहेजी खाना दे दो। वकार, अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं मैरीन, तुम एक काम करो, डैड का दोपहर वाला साथ ले। ठीक है। ओए मैरीन, क्या हुआ? हे, आर यू ओके? ओहो, इसको दोपहर से चक्कर आ रहे हैं, इसको ज़ुहेब लेके जाओ ना डॉक्टर के पास फौरन। हाँ चलो 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 डॉक्टर के पास चलो। ज़ुहेब, मैं ठीक हूँ। ओहो, कहाँ ठीक हो बेटा? इसे इसे बिठाओ, एक सेकंड बिठाओ, एक सेकंड बिठाओ, बिठाओ, पानी निकालो इसके लिए, पानी निकालो। मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। पक्की बात है? पानी दो, पानी दो, पानी पिलाओ। हाँ सलमा, साहब का खाना ले आओ परहेजी वाला। सॉरी, माय फॉल्ट। किस तरह सारा दिन किचन में गर्मी में खड़े होकर मैंने तुम्हारे पापा के लिए इतने प्यार से खाना बनाया और उन्होंने क्या किया? सबके सामने इस तरह से मुझे इंसल्ट कर दिया। उन्होंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। अलीसे, वो उन्हें नहीं पता चलता। असद प्लीज, उनको भेजा डिपेंड करना बंद कर दो। अच्छा सॉरी ना, वो ठीक हो जाएंगे। वो ठीक नहीं होंगे, अलबत्ता हम सब उनकी वजह से पागल जरूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ ये बात। मैंने इससे पहले कभी वकार को इतना बेजार और चिड़चिड़ा नहीं देखा। वो तो भी बड़ा मिलनसार, खुश अखलाक और सबका ख्याल रखने वाला इंसान था। इस वकार को तो मैं पहचानती ही नहीं। पप्पू, आपके सामने मैं और मेहरीन उनका कितना ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, अगर वो हैं कि किसी भी बात को अप्रिशिएट ही नहीं करते। हाँ बेटा, मुझे तो लगता है जैसे उसने अपने आप को तन्हाई के खोल में बंद करके रख दिया है। देखिए ना पप्पू, इतने अरसे बाद कल वो हमारे साथ बैठे और मैंने इतने दिल से उनका फेवरेट पुलाव बनाया था। अब हो सकता है कि टेस्ट मामा के खाने जैसा नहीं हो, मगर वो मेरा दिल तो रख सकते थे ना। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, उसका एटीट्यूड मुझे भी अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। लेकिन उसकी ज़िंदगी में तो लगता है जैसे एक जमूत सा आ गया कई महीने से। मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। देखिए ना पप्पू, बिजनेस का भी इतना हर्ज हो रहा है, आप तो जानती हैं कि मुझे बिजनेस के बारे में इतना कुछ नहीं पता। बाबा का ऑफिस में आना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत नुकसान होगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी इस कैफियत को बेटा, इसीलिए हम सबको मिलकर उसको इस ट्रॉमा से निकालना होगा, वरना ये तन्हाई तो उसके लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। पप्पू, आपके जहन में कोई हल है इसका? हाँ बेटा, है ना। दरअसल उसने खुद को इतना तन्हा कर लिया है कि उसे हर वक्त किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी देखभाल कर सके और उसका ख्याल कर सके। तो ऐसा साथी मेरी नज़र में तो एक बीवी हो सकती है। तो मैं सोचती हूँ कि हमें उसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। मुबारक को मिस्टर ज़ुहेब, आपकी मिसेज एक्सपेक्ट कर रही हैं। Really? रिपोर्ट तो यही आई है, अभी आपके सामने तो टेस्ट करवाया है। ये मैं मेडिसिन लिख रही हूँ, ये रेगुलर लें, दूध फ्रूट जूस वगैरह लें, इनकी डाइट का खास ख्याल रखें और हर महीने बाकायदगी से चेकअप करवाने के लिए आना है। जी ठीक है। हेलो,
हाँ जी असद भाई, क्या हाल है? हाँ हाँ, बस पहुँच रहे हैं 10 मिनट में इंशाल्लाह। हाँ, पुप्पो को बोलें कोई मसला नहीं, बस इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं। हाँ, महरीन ठीक है, चेक करवा लिया, बस घर आके बताता हूँ आपको। हाँ जी, बस 10 मिनट। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। हाँ जी, मेरा कार्ड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये लो मिठाई पकड़ो। यार असद भाई की कॉल आई थी, कह रहे थे कि पुप्पो परेशान हो रही है कि हमें बहुत देर हो गई, हम घर नहीं आए अभी तक। ये इतनी सारी मिठाई क्यों ले ली, कौन खाएगा? यार तुम भी कमाल करती हो, मतलब खुशी का मौका है, बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का मौका है, और हम सेलिब्रेट ना करें? भाई मिठाई है, हम खाएंगे और क्या। सादी। हाँ ना सारी। यार मैं इतना खुश हूँ कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि कसम सच में, पता है मुझे ऐसा लग रहा है जब घर में सबको पता चलेगा वो इतना खुश होंगे, स्पेशली डैड। मुझे लगता है कि अब वकार अंकल को कोई बात खुशी नहीं दे सकती। यार तुम ऐसा क्यों सोचती हो? पता ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है कि जब डैड को पता चलेगा ना, इंशाल्लाह वो पहले जैसे हो जाएंगे। पता जब रमशा की खुशखबरी सुनने को मिली थी ना, वो इतना खुश हुए थे, और अम्मी ने बोला था कि अलीजे अब घर के कोई काम नहीं करेगी, सिर्फ रेस्ट करेगी, इतना अच्छा माहौल था घर का। मैं अलीजे भाभी की तरह खुशकिस्मत नहीं हूँ ना, उस वक्त तो मुन्नज़ा आंटी उनके साथ थी, पर अब नहीं है। यार महरीन प्लीज इतनी मायूसी वाली बात नहीं करो, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट मी, ओके। लाओ मैं पीछे रह जाता हूँ। चले बर्फी या चमचम? मेरा मतलब गुलाब जामुन या चमचम? चमचम चमचम थोड़ी। ओके, आप बताएं क्या खाएंगे? गुलाब जामुन आपके लिए तो फिर पूरा ही होना चाहिए। ये शाबाश। अच्छा आपका तो बनता ही है। थैंक यू सो मच। बस शुक्रिया बेटा, थोड़ी सी। थैंक यू, जीते रहो, खुश रहो बेटा, बहारें दिखाए अपने बच्चों की। आमीन। खुद भी खाओ। पता है आज मैं इतना खुश हूँ, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अल्लाह ताला ने मेरी झोली में डाल दी है। आज मुन्नज़ा होती तो वो ज़ोएब के बच्चों को देखकर कितना खुश होती। क्या मतलब? तुम्हें अरमान नहीं है? तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं खुश हूँ। बच्चों को क्यों उदास कर रहे हो? ऐसी बातें नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें करो ना, उनका हौसला बढ़ाओ। हाँ इसीलिए मैं ज्यादातर कमरे में रहता हूँ, बाहर निकलता हूँ तो मैं दूसरों को दुख देता हूँ, इसलिए अपने आप को कमरे तक महदूद रखा हुआ। अरे क्या हो गया वकार, जरा जरा सी बातों पे रूठ जाते हो, बैठो ना आराम से। नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करता हूँ थोड़ा। डैड, देखें वकार, असद बिल्कुल आप पर गया है। मेरी बेटा तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा अपना। मैं सलमा से कह दूंगी जो भी डॉक्टर ने खुराक बताई ना तुम्हें देने के लिए, वक्त पे तुम्हें देती रहे। वैसे पप्पू मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि डैड ये खबर सुन के खुश नहीं हुए? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यकीनन बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन बस कुछ अजीब सा मिजाज हो गया उसका, हर खुशी को गम में छुपा लेता है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, तो इंशाल्लाह तुम्हारे पापा बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। इंशाल्लाह अल्लाह करे। और मिठाई खाए ना? नहीं नहीं प्लीज।
रजा, तुम क्यों चली गई मुझे यूं अकेला छोड़कर? मैं तुम्हारे बगैर हर पल मरता हूं, जीने को जी नहीं चाहता। प्लीज मुझे अपने पास बुला लो। मैंने जो किया था वो भरोसा बेवजह था, टुकड़े थे जो दिल के यूं ही उनको टूटना था। मैं जाने कहां हूं उनको मेरा क्या पता था, ऐसे ही अकेले बेबसी से मर रहा था। नहीं पहचानते जिनको पाला हुआ, छोड़ जाते हैं वो, मिलता है बस ये सिला। लेकिन मीरजान ये बहुत जरूरी है, तुम्हारे पापा बहुत अकेले हो गए हैं, उन्हें किसी साथी की जरूरत है। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, इस पूरे घर को किसी समझदार औरत की जरूरत है जो पूरे घर को संभाल सके, सबका ख्याल रख सके। फुप्पो, घर में सारे लोग तो मौजूद हैं, सर्वेंट्स हैं, भाभियां हैं, तो फिर किसी और औरत की क्या जरूरत है? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। आ जाओ। ये सब क्या है सुहेब? बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। पर इस सब की क्या जरूरत थी? क्या मतलब यार, आज मेरी प्यारी सी बीवी ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। सेलिब्रेट करना तो बनता है यार, हैं? चलो केक काटो। अच्छा दूसरी चीज ये है, थैंक यू सो मच। मैं आज इतना खुश हूँ मेहरीन के मैं बता नहीं सकता, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। That's how happy I am। रजीब, तुमने वकार अंकल को देखा था? उन्हें जैसे कोई खुशी नहीं थी, कोई कंसर्न नहीं था। यार मेहरीन, देखो ऐसी बात नहीं है, वो मेरे डैड हैं, और वो भला मेरी खुशी से खुश क्यों नहीं होंगे? तुम उनकी कंडीशन से वाकिफ हो, फिर भी तुम ऐसा सोच रही हो। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। अच्छा चलो मेरी तरफ देखो, छोड़ो ना इन सारी बातों को, हम इस मोमेंट को फुली एंजॉय करने के लिए। एंड आई हैव अ स्मॉल सरप्राइज फॉर यू, स्पेशल सा गिफ्ट भी लेकर। वाओ, तो बहुत खूबसूरत है ना? लाओ हाथ दो। वाओ, लुक्स ब्यूटीफुल। आओ केक काटते हैं। ये लो, ये होल्ड करो। Are you ready? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mehreen. Happy birthday to you. Thank you. Oh, bhai, aapki birthday, aapka banta hai khana. ये सब बहुत अच्छा है, थैंक यू। आई एम ग्लैड यू लाइक इट। हां, तुम्हें सेटअप अच्छा लगा? तुम समझ रही हो ना मेरी जान? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप जानती हैं ना, जब महरीन भाभी ने पापा से ये बात की थी तो उनको कितना बुरा लगा था, वो कभी नहीं मानेंगे शादी के लिए। तुम्हें भी तो बहुत गुस्सा आया था ना महरीन की बात सुनकर। लेकिन मीरजान ये बहुत जरूरी है, तुम्हारे पापा बहुत अकेले हो गए हैं, उन्हें किसी साथी की जरूरत है। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, इस पूरे घर को किसी समझदार औरत की जरूरत है जो पूरे घर को संभाल सके, सबका ख्याल रख सके। फुप्पो, घर में सारे लोग तो मौजूद हैं, सर्वेंट्स हैं, भाभियां हैं, तो फिर किसी और औरत की क्या जरूरत है? भाभियां? बेटा तुम्हारी मम्मा ने आदत ही नहीं डाली अपनी बहुओं को किसी काम की, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी उन्होंने, ना उनको घर में रहने की आदत है, ना घर संभालने की। और बेटा तुम्हारे पापा की जो हालत है ना इस वक्त,
ये लोग बहुत जल्द उनसे उकता जाएंगे। और अगर तुम्हारे किसी भाई ने अलग होने की ठान ली ना, तो इस घर का शिराजा बिल्कुल ही बिखर जाएगा। लेकिन पप्पो, पापा की दूसरी शादी किए बगैर भी तो सब कुछ ठीक हो सकता है ना? इतना अरसा गुजर गया, कुछ बेहतर होता हुआ नजर आया तुमको? देखो ना बेटा, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। कुछ दिन के बाद तुम इस घर से चली जाओगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारे भाई भाभी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तो वकार तो बिल्कुल अकेला हो जाएगा ना। तुम समझ रही हो ना मेरी जान? बच्चे तू तो बहुत समझदार है ना। जरा रुकना है साथ बेटा, तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ दफ्तर जाएंगे। वकार आ जाओ। जी आपा। बस बहुत दिन आराम कर लिया घर में, अब दफ्तर जाओ, वहां के मामला संभालो और बच्चों की मदद करो। आपा वो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे, ठीक है? तो अस्सी देर के लिए चले जाओ, 2-4 घंटे के लिए। ज्यादा थकाना नहीं अपने आप को बेटा, पापा का ख्याल रखना। अच्छा जी बाप, चले बाप। ओ, तैयार हो जाऊं या ऐसे ही चलूं? नहीं नहीं ठीक हो, चल जाओ बस बेटा। चलिए बाप। अच्छा बात सुनो, हम लोग मॉल जा सकते हैं? मॉल? वो भी इस टाइम? हाँ अभी तो हम फ्री हुए हैं क्लासेस से, पर अभी तो बहुत टाइम है, हम जा सकते हैं ना। मुझे सिर्फ एक ड्रेस खरीदना है हमना के लिए और एक गिफ्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्लीज। लेकिन मैं घर पे किसी को बता के नहीं आई, डैड को किसी को नहीं बता के आई मैं घर पे। तो तुम्हारी फूफू है ना उनके पास, अब कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, इट्स जस्ट मैं जब भी शॉपिंग पे जाती थी अपने मामा के साथ जाती थी और उनके अलावा मैंने कभी शॉपिंग नहीं की। उनके जाने के बाद मेरा मूड ही नहीं होता कुछ भी बाय करने के लिए। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ मेरे साथ चलो, एक दो ड्रेसेस ले लेना अपने लिए, थोड़ा चेंज फील करोगे। Happy anniversary, my dear. आपकी बीवी तो अब पुरानी हो गई है। हाँ वो तो गई है पुरानी, लेकिन वो ऐसा है कि वे पहले बीवी सोना थी, अब कुंदन हो गई है, हमारी मोहब्बत की तरह। वकार मुझे अपना आप बहुत कीमती लगने लगता है, शादी के कई सालों बाद भी आपकी मोहब्बत मेरे लिए वैसे ही तरोताजा है जैसे शादी के पहले दिन। अगर मुझे ऐसी दो जिंदगियां भी मिले ना, तो मैं आपके ऊपर से वार देती। अगर मुझे दो जिंदगियां मिलती ना, तो मेरी एक मोहब्बत उसके लिए काफी। हाँ और आपकी इस मोहब्बत के लिए मेरी एक जिंदगी 100 पर भारी है। आई एम प्राउड ऑफ यू।
माय डियर हस्बैंड। शांजे, जी 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 जी, जैसे ही फुर्सत मिली इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर हो जाऊंगी आपकी खिदमत में। तो आप भी तो किसी को चक्कर लगाएं सूफिया के साथ। जी इंशाल्लाह, चले ठीक है, खुदा हाफिज़। इतना मुश्किल होता है ना इस उम्र में शादी के लिए रिश्ता ढूंढना। वकार अंकल के लिए? हाँ बेटा, तुम तो देखती हो ना कैसे बच्चों जैसी हालत हो गई उनकी। उनको हर वक्त कोई देखभाल के लिए, ख्याल करने के लिए साथी चाहिए ना। ये जिनसे मैं बात कर रही थी ना बेटा, ये हमारे दूर पर एक रिश्तेदार है। उनकी एक बेटी है जिसकी अब तक शादी नहीं हुई। भाई बड़े नखरे थे उसके, कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। अब काफ़ी बड़ी उम्र हो गई है तो मैंने उनसे जिक्र कर दिया वकार का, तो वो तो कुछ कुछ राज़ी लग रही हैं मुझे, लेकिन बेटी की तरफ से हाँ करने में ज़रा हिचकिचा रही हैं। अभी तक वही उसका नखरा है, वही तंतना है, वही हरकतें। पप्पू फिर तो मेरा ख्याल है आपको इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों 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 नहीं? मतलब मेरा मतलब है पप्पू कि अंकल के लिए हमें कोई बहुत ही बर्दाश्त करने वाली समझदार खातून की जरूरत है। नहीं मेरी? हाँ पप्पू, अलीजे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मैं कहाँ से लाऊं ऐसी समझदार और बर्दाश्त करने वाली औरत? वो मिल तो सकता है मगर रिश्ता देखना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता आज मैंने किस मुश्किल से उसको ऑफिस भेजा है। बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह से एक्ट करता है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि कोई ऐसी खातून हमें चाहिए जो उनके इस मिजाज को, उनकी जिद को समझ सके, वरना तो मुश्किल और बढ़ सकती है ना। मैं देखती हूँ। चाय पिए? तुम भी तो लो ना बेटा। मैं लेती हूँ। बिस्किट चाहिए आपको? नहीं बस, थैंक यू। शांसी, तुम ठीक हो ना? किसे ढूंढ रही हो? मुझे ना यहाँ से किसी ने आवाज दी है, इधर ऊपर कहीं से मुझे लग रहा है। कम ऑन शांसी, यहाँ कौन आवाज देगा तुम्हें? तुम्हारा बहन है। मुझे लग रहा है कि मेरी मामा ने आवाज दी है मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है तुम बहुत एग्जॉस्ट हो गई हो, मैं चलना चाहूंगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे लग रहा है शायद मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ ना शॉपिंग पे, तो इसलिए फील हो रहा है। चलो चलते हैं फिर यहाँ से। हाँ बस मुझे एक ड्रेस पसंद आया है। आए आज। अरे आपने तो मुझे बताया ही नहीं, आने से पहले कॉल तो कर देती। अगर कॉल कर देती तो तुम्हारे चेहरे पे हम ये खुशी कैसे देख पाते, महरूम रह जाते हम तो। ये लो भाई तुम्हारे लिए लाए, पहली दफा जो घर आए तुम्हारे। सलमा, सलमा। ये लो, हुस्ना पप्पू को जाके कहो कि गेस्ट आए हैं। अरे आप लोग। हाँ हाँ, ये मेरी नंद है, मैंने तो इंट्रोडक्शन ही नहीं करा जिनकी तारीफें करती हूँ मैं। ओह अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे आप लोग आए ना, तो खड़े खड़े सारी बातें होंगी। आ जाए प्लीज। घर तो बहुत अच्छा है भाई।
आसिफ कहाँ है? बाबा तो घर चले गए। घर किसने चले गए? अभी वो कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए घर जा रहे हैं। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सब मैं तो आया था आपको बताने, पर आप मीटिंग में बिजी थे। यार जाओ मेरा फोन लेकर आओ। ये तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? सर घर, आपने तो कहा था घर जाना है। मुझे घर नहीं कब्रिस्तान जाना है। सर मगर असद साहब ने कहा था कि साहब को अकेले कब्रिस्तान नहीं लेकर जाना। क्या मतलब है? मैं जो कह रहा हूँ ना तुमने वो करना है, समझे हो तुम? चलो गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैं खुद घर आ जाऊंगा। सर एक मिनट, सर रुके, सर कर रहा हूँ। ये लो और तुम जाओ। सर मैं आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़कर जाऊं? तुम्हें क्या लगता है मैं गाड़ी नहीं चला सकता? नहीं नहीं सर, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी नौकरी अभी भी जा सकती है, खड़े खड़े मैं तुम्हें निकाल दूंगा। चलो हटो हटो। अनीस, व्हाट? तो कहाँ हो तुम? बाबा कहाँ है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने उन्हें अकेले गाड़ी क्यों दी? जाओ जाकर देखो वहां पर। एक काम करो, ऑफिस आ जाओ, देखता हूं मैं। खैरियत है ना? जी जी जी, घर में सेटल हो गए जी। अरे पापा ये मेरी खाला है। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। ये मेरी नंद है। अच्छा अच्छा, बैठे ना प्लीज। जी जी बेटा, जाओ चाय वाय का बंदोबस्त करवाओ, सलमा को बुलाओ। जी मैं आती हूँ। किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, अरे पहली दफा आप आई है, बल्कि मैं तो कहती हूँ खाना खा के जाइएगा आप। नहीं नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह। Call me today. ये चीज अभी फाइनल करनी। One second, excuse me. Hello. न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।